टापू में एक व्यक्ति है, जादू मंत्र ने छुटकारा नहीं दे पाया, घर वाले उनको संभाल नहीं पाया, आखिरी में एक स्मशान घाट में उसको भेज दिया। जीवित गवाही हमको हमेशा सुनने के लिए मिलेगा। अगर व्यक्ति का भक्ति ठंडा हो गया तो फिर वहां पर गवाही बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कलीसिया का विश्वासियों के अंदर अगर जीवन है तो जीवित गवाही कलीसिया में हमेशा गूंजेगी। हालेलुया। आइए वचन की ओर हम जाएंगे। यिर्मयाह 1:19 हम जल्दी पढ़ेंगे। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है वे तुझसे लड़ेंगे। कौन लड़ेंगे? सैतान तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। संसार में इंसानों की कोई कमी नहीं, लेकिन जितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं, जानवर भी पाए जाते हैं, पक्षीगण भी हैं, इनके अंदर में प्रियो प्रभु होगा नहीं तो शैतान होगा। पक्षियों के अंदर में, जानवरों के अंदर का बात नहीं बोल रहे भाई सरोड, इंसानों के अंदर में प्रभु होगा नहीं तो शैतान होगा। लेकिन कुछ जानवरों के अंदर में, पक्षियों के अंदर में शैतान प्रवेश होता है। उस क्रूर पक्षियों के बारे में आप जानते हैं, जानवरों के बारे में आप जानते हैं, वो हमारा विषय नहीं। लेकिन मुख्य रीति से शैतान इंसानों को कारगर बनाते हैं। वो कुछ मरी कुछ प्रसन्न मनुष्यों के अंदर में परमेश्वर वास करता है, बाकी पूरा पूरा जो लोग हैं संसार में उनके अंदर में शैतान वास करता है। ये जो शैतानी शक्तियां प्रभु के लोगों के विरोध में लड़ाई करते हैं, अगर प्रभु के लोग कमजोर है तो वो शैतानी शक्तियां प्रभु के लोगों के ऊपर में हावी हो जाएगा। लेकिन प्रभु के लोग लड़ने वाला प्रभु के लोग है तो, प्रार्थना करने वाला प्रभु के लोग है तो, उपवास करने वाला प्रभु के लोग है तो लड़ेगा लेकिन प्रबल नहीं होंगे, ताकि बचाने के लिए परमेश्वर उनके संग रहता है। इसलिए याकोब 4:7 में जो वचन है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। याकोब 4:7 परमेश्वर अपने लोगों को क्या कह रहा है? प्रेस तल और शत्रु से लड़ने के लिए इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ध्यान से सुनिए, शैतान लड़ने वाला शैतान है, लेकिन लड़ने वाला शैतान के सामना करने के लिए प्रभु के लोग परमेश्वर का अधीन होना चाहिए। परमेश्वर का अधीन कैसे हो सकते हैं? अपने पापों को स्वीकार करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला विश्वासी होना चाहिए और उनका
आराधना में बराबर जाने वाला होना चाहिए और बाकी दिनों में परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर इस प्रकार आपका जीवन में परमेश्वर के अधीनता में रहने का गुण है तो वो दुष्ट शैतान ज्यादा समय लड़ेगा नहीं। उनको मालूम है मैं ये व्यक्ति के ऊपर में प्रबल नहीं हो सकता, ताकि इनके अंदर में यीशु वास करता है। वो ध्यान दीजिए, यीशु वास करने वाला विश्वासी भी है, यीशु वास ना करने वाला विश्वासी भी है। आप सोच लीजिए आप कौन सा विश्वासी है। यीशु वास करने वाला विश्वासी है तो आपको वचन के अनुसार चलना ही होगा। अगर केवल नेम प्लेट वाला है तो शैतान जब आपसे लड़ने के लिए आएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा नहीं। पैसा लो ताकि बचाने वाला आप नहीं, आप बचना है तो आपके अंदर में बचाने वाला ईश्वर वास करना चाहिए। शत्रु का काम है लड़ना, लेकिन शत्रु का लड़ाई में आपसे जो लड़ रहे हैं, आप बचना है तो बचाने वाला ईश्वर आपके अंदर में रहना है। तो इन दिनों में परमेश्वर अगर आपके संग रहना है, आपको ये सारे कामों को करना जरूरी है। मैं जल्दी जा रहा हूं ताकि समय मेरे बीच में कम है। मरकुस में आ पाइए, प्रेज लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, प्रेज लॉर्ड, उसका 37 से 39 तक हम पढ़ेंगे। 37 से 39 तक हम पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। पर ध्यान दीजिए, यीशु और यीशु का लोग कहां जा रहे? एक व्यक्ति को छुटकारा देने जा रहे, ताकि झील के इस पार में यीशु रोगियों को चंगा करने का समय दुष्ट आत्माओं को निकालने का समय, एक आवाज उनका कानों में आई। ये आवाज है ना, यीशु सुनता है। ये आवाज प्रार्थना करने वाले लोग सुनते हैं। तुरंत सडन ब्रेक जैसे मारता है गाड़ी, वैसा ही यीशु इस पार का सेवा को सडन ब्रेक मारकर अपने चेलों को कहा, चलो हम उस पार जाएंगे। 35 पढ़ेगा तो पता चलेगा। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। हालेलुया। कहां जा रहे, कहां ले जा रहे, ये चेलों को कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जरूर प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु को मालूम है प्रभु कहां जा रहे। हालेलुया। ताकि इस झील के उस पार का टापू में एक व्यक्ति है, जादू मंत्र ने छुटकारा नहीं दे पाया, घर वाले उनको संभाल नहीं पाया, आखिरी में एक स्मशान घाट में उसको भेज दिया। लोग उस टापू में अपने मरे हुए लोगों का बॉडी को दफनाते हैं। उस जगह में एक इंसान को परिवार ने त्याग दिया, समाज ने त्याग दिया, ताकि वो कपड़ा फाड़ देते हैं। वो बिल्कुल अपने आप को बचा नहीं पाता, वो परिवार उनको बचा नहीं पाया,
उनका इलाका का मंत्र उनको बचा नहीं पाया, उस इलाका का कोई भी उनको बचा नहीं पाया, इसलिए उनको त्याग दिया परिवार में। वो वहां पर अकेला रहकर अपने शरीर को चोट पहुंचाकर नंगा वहां पर घूमता था, लेकिन उस व्यक्ति का रोने का आवाज यीशु का हालेलुया कानों में पड़ा। यीशु प्यार करने वाला प्रभु है, यीशु हर एक व्यक्तियों की समस्याओं से बचाने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक आप जिस परमेश्वर का नाम लिया था, आपका वेदना के समय में वो नहीं आएगा तो भी, आप अभी तक जिनका नाम नहीं लिया वो यीशु आपका घर में आएगा। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं वही सैतान लोग, कितना सैतान लोग है, 6000 दुष्टात्माएं। सैतान एक ही है, उसका कई ग्रुप है। 6000 दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर है। वो व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यीशु अपने साथी लोग और कुछ और नावे थे, इन लोग मिलकर जा रहे, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है किस काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन चेलों को मालूम नहीं। लेकिन यीशु बुलाएगा तो कौन मना करेगा। हालेलुया। लेकिन यात्रा के बीच में, इस पार उस पार के बीच में, झील के अंदर में, बीच में पहुंचा नाव, अचानक एक आंधी आया। प्रेज द लॉर्ड। वो अचानक जो आंधी आया, वो आंधी के कारण पूरे लहरे, बड़े बड़े लहरे उठना शुरू किया, और उसी समय यीशु थोड़ा रेस्ट कर रहा था। आपको मालूम है यीशु जहां भी रहता है 5000 धक्का मुक्की करके, यीशु मुझे छुड़ाओ, यीशु मेरे परिवार का विषय। ओ, यीशु ने सोचा उस पार जाते समय में थोड़ा सा सोने का काम नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर। उतना में आंधी तूफान आया पानी में, हालेलुया, मछुआरे लोग हैं, लेकिन उनका भी, वो भी सोचा अभी मैं, हमारा नाव डूबने वाला है, हम लोग मरने वाला है, डरपोक होकर हालेलुया यीशु मसीह को हालेलुया उठाया करके हम लोग वहां पर देखते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट ले जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो ध्यान दीजिए, लॉर्ड, वही पर यीशु, हालेलुया, उस शक्ति का सामना किया है। उनका एक शब्द से शैतान डरता है। अगल बगल वालों को हाथ मिलाकर बोलो, आपका बीमारी जाने के लिए यीशु का एक शब्द काफी है। हालेलुया। यीशु का अधिकार से भरपूर एक शब्द काफी है, आपका 10 साल का बीमारी चले जाएंगे। हालेलुया। वो ध्यान दीजिए, चेहरे लोगों को कठिन रहा, लेकिन यीशु उठा, एक शब्द में आंधी तूफान थम गया करके बाइबल में लिख के रखा है। हालेलुया। ध्यान दीजिए प्रियो, सभी लोगों को कृपा नहीं, सबों के अंदर में अनुग्रह नहीं, हजारों बार डांटने पर भी कई लोगों के अंदर में प्रभु का सामर्थ नहीं आता। मैं आपको बोलना चाहता है, आपका एक डांट में शैतान जाना है तो परमेश्वर का कृपा आपके अंदर में रहना है। कृपा आना है तो क्या करना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना है। मैं पहले बता दिया ना, गाड़ी का आवाज थोड़ा बिगड़ेगा तो थोड़ा मिस्त्री को दिखाना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, कई बार हमारी समस्या का निवारण प्रभु क्यों नहीं करता है, हम प्रभु में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम प्रभु में चलेंगे, जरूर आंधी तूफान आपका नाव में, आपका घर में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, जितना भी आंधियों को तूफानों को शैतान हल्लाएंगे, आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे।
बाइबल में लिखा है शैतान आपके आपसे लड़ेगा लेकिन प्रबल, ताकि बचाने वाला परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के नाव में चले हैं और कई नाव है यीशु के पीछे हो लिया था। ध्यान से सुनिए है, उसका 4:33 हम पढ़ेंगे। प्रेशर और ध्यान पूर्वक सभी लोग पढ़े। मरकुस 4:33 और वे पढ़िए पढ़िए और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। ध्यान दीजिए मेन पॉइंट, यीशु मसीह जिस नाव में था उसमें चेले थे लेकिन और कई नावें इसके पीछे फॉलो कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, हालेलुया, और कई नावें इसके पीछे कर रहे थे। इनके बारे में क्या हो गया? यीशु जिस नाव में था वो नाव के लोग बच गया, बाकी नावों का स्थिति क्या है? डूब गया क्या, मर गया क्या, या आंधियों को देखकर भाग गया क्या? आज का दिन बहुत सारे लोग कमी हैं, बहुत सारे लोग अभी बीच में उड़कर भी गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहे मुझे भी? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, जितना यीशु का फॉलो करने वाला नाव वहां पहुंचेगा कि नहीं गारंटी, लेकिन गारंटी उस नाव में है जिस नाव में यीशु है, उसको डूबने नहीं देगा, वो लक्ष्य स्थान में पहुंचेगा। जिस नाव में यीशु नहीं है उनको गारंटी नहीं है स्वर्ग में पहुंचेगा करके। जिस नाव में यीशु है आंधी आने दो, तूफान आने दो, बड़े बड़े लहरें उठने दो, लेकिन चिंता मत करना, यीशु चुड़ाने के लिए है। जिनको समझ में आ गए हालेलुया बोले। मेरे कंडीशन में उस पार जाने के लिए निकला है ना, और नावे थी करके बाइबल में लिखा है 5:1 पढ़ के देखो कितना नाव पहुंच गया है वहां पर। 5:1 वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। अच्छा, यीशु मसीह जिस नाव में था वो पहुंचा। बहुत तेरे लोग यात्रा शुरू किया, मध्य में पता चला ये रास्ता थोड़ा कठिन है, लोगों का गाली सुनना पड़ता है, निंदा सुनना पड़ता है, इससे अच्छा मरे भी जाना है। कितने लोगों समझ में आ गया है? यीशु जिस नाव में था उस नाव में भी लहरे आए, आंधी आया, डूबा है क्या, मरा है क्या? बाकी नाव डूब गया होगा, नहीं तो कष्ट आते हुए भाग गया होगा, छुपा होगा। हालेलुया। कल एक भाई मुझे बता रहा था, पास्टर वो लड़का को देख के हम लोग डग्गा आरे करके बोलेगा ना, वो लड़का पूरा भाग जाता है, पुलिस का डग्गा आरे करके बोलना, इसीलिए मोहल्ला में उसका नाम डग्गा डग्गा आरे, तुरंत ये भाग जाता था। बड़े हो गए, अभी 25 साल का हो गया, अभी भी डग्गा डग्गा करके बोलते उसको। कल की बात है, एग्जाम मुझे बताया। हालेलुया। तो बहुत तेरे लोग उत्साहित होकर प्रभु के राज्य में जाने के लिए मस्त सोना का नगर है, मस्त है, अरे नरक में जाएगा तो कीड़ा है, अग्नि है, ये तो छोड़ो, प्रभु का प्रभु खाना देगा, कपड़ा देगा, सब देगा करके निकलते हैं, लेकिन बीच में पता चलता है ये रास्ता सही नहीं है भैया, देखो आंधी आ रही है, अरे आ रहे हैं, जान बचा भैया, वापस जाएंगे हम लोग, जरूर वापस गया होगा। स्वर्गीय मन्ना भाई स्वर्गीय मन्ना प्रार्थना मन 22 साल से कितने लोग आ गया था, वो अगर वो जो लोग अगर अभी भी रहे वो पिपलजार तक रहेंगे, प्रेशर और बरगद का पेड़ तक रहेंगे, इतने लोग आए था, लेकिन प्रभु में वही रहेगा जिस नाव में प्रभु है,
जिस नाव के अंदर प्रभु है उसमें आंधी आए तो तूफान आए तो कोई फर्क नहीं। एक हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पता चला एक ही नाव आया है और वो एक ही नाव के लोगों को भी यीशु डांटा है, भयंकर डांटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके चार में आइए, चार का 40, प्रेज द लॉर्ड, 40 और 41 पढ़िए। और उसने कहा यीशु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास में ही? वे बहुत ही डर गए। और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ध्यान दीजिए, जिनके अंदर में विश्वास की कमी है तो वो डरेगा, जिनके अंदर में विश्वास की मात्रा ज्यादा है तो बोले ना काट पीट करने दो, कोई फर्क नहीं है, उससे ज्यादा नहीं करेगा ना, आत्मा को काट नहीं सकते ना। हालेलुया, विश्व यीशु मसीह ने उसको डांटा इस पर आने के बाद, बाकी लोगों को छोड़ो, डूब के मरा है कि वापस गया तो प्रभु, लेकिन यीशु मसीह जिस नाव में था वो भी बहुत, अभी भी कई कई जो गवाही सुना रहे थे लोग, क्या हो गया, कितने लोग बोलता है मैं डरेगा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, आंधी तूफान सब एक शब्द में क्या हो गया, तो नहीं है यीशु आंधी से डरते हैं, दुष्ट आत्मा से डरते हैं? यीशु मसीह और चेले उस पार जाकर 6,000 दुष्टात्मा वाले व्यक्ति को छुटकारा ना दे, इसलिए 6,000 दुष्टात्मा यीशु मसीह का और लोगों के विरोध में एक आंधी तूफान को भेजा, डूब के मर जा गए। लेकिन शैतान तेरा आंधी तूफान के सामने, तेरे लड़ाई के सामने हारने वाला शक्ति नहीं, यीशु का शक्ति। हालेलुया, दुष्ट लड़ेगा, वो 6,000 दुष्टात्मा लड़ रहे हैं, तुम्हारे नाम यहाँ पर आने नहीं देगा, ये व्यक्ति के अंदर में रहेगा, इनका परिवार पराजित हो गया, इनका समाज पराजित हो गया, आखिरी में ये व्यक्ति को फेंक दिया उस मशान घाट में, जाओ मर जाओ। उनका पूरा ताकत लगाया, 5:2 से जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें मिलकर पड़िए जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांगलों, उसके मतलब जंजीरों से भी ना बांध सकता था। प्रेज द लॉर्ड, उसके मलम जंजीर भी तोड़ता था। ओ, एक इंसान का हड्डी में मांस में इतना ताकत है, लोहा का जंजीर भी तोड़ता था। आपको मालूम है दुष्टात्मा जिस व्यक्ति के अंदर में है वो व्यक्ति के अंदर में क्या होता है, बल बढ़ जाता है। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ने का समय दुर्ग का एक भाई मेरे साथ पढ़ाई करते थे और उसके अंदर में दुष्टात्मा था और उनको एक कमरा के अंदर में बंद कर दिया था और हमारा खाना बनाने वाला प्रेशर और कुक जो है इतना मोटा आदमी था, एक खींच कर देने से 4 पलटी मारता था। लेकिन वो बोला भी तुम लोग हटो, स्केल्ट वाले पतला वाले हट जाओ, मैं मोटू आया हूँ, मैं अकेला काफी है करके उनका हाथ में पकड़ा, ऐसा कर दिया मोटू कई रीति से पलटी मारकर गिर गया। मोटू देख रहे ये पतलू मुझे ऐसा कर दिया, लेकिन इसके अंदर में दुष्ट आत्मा था। हालेलुया, कमांडर जीप जो है महिंद्रा का कमांडर जीप जो है उस समय आया और रस्सी में बांधकर उनको दुर्ग में लाया। पर मेरा कहने के मतलब दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति के अंदर है बल बढ़ जाता है। वो सांगलों को भी क्या कर दिया था,
प्रेस लोड तोड़ दिया था। चार में लिखा है कि उनकी वह बार बार बेड़ियों और सांगलों से बांधा गया था, पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और भेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उस कोई उसे वश में नहीं नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्ला था और अपने को पत्रों से घायल करता था। वो सीन आप देखो कितना भयानक सीन में था। वो थी उनका परिवार वाले बैगा के पास ले गए होंगे, तांत्रिकों के पास ले गए होंगे, लेकिन कोई भी उनको बचा नहीं पाया। आखिरी में उस टापू में उनको फेंकने के जैसे कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल यीशु ही ये व्यक्ति को, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दे सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार था शैलेंद्री जो आपका पीछे बैठी है, 6 वर्षों से जंजीरों से बांध कर रखी हुई ये बहन, 27 साल का बहन पीछे बैठी है, कल इनका बंधन को पहली बार तोड़ दिया। देखो हाथ खोल के 6 साल में पहली बार हाथ खोला है। आप अमेरिका जाने का, फ्रांस से जाने का जरूरत नहीं, आपका कलीसिया का पीछे भानु प्रतापपुर से 10 किलोमीटर दूर से, उसका मतलब करीब 150 किलोमीटर दूर से स्कॉर्पियो बुक करके यहाँ पर लाया। इधर एरिया के लोग बोला उसको छुटकारा मिला है क्या? हम लोग बोले छुटकारे के बाद ही उसको भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जंजीर से बांधा हुआ शैलेंद्री, देखो देखो प्रेस लोड जो बैठी है, डरने की जरूरत नहीं, अभी सांगल की जरूरत नहीं। भाई ने बोल दिया मेरा घर वापस आएगा तो मेरे बहन को, हालेलुया, मैं जंजीरों से नहीं बांधूंगी। पहली बार घटना है, 4 बाई गांव के पास इसको ले गया, उनका गांव का भाई का भी इनका साथ दिया, लेकिन छुटकारा नहीं हुआ। कल 5:30-6 बजे फोन आया, पास्टर जी मेरे को कई प्रोग्राम था, सरोज का फोन, पास्टर आना होगा। मैंने कई बहन लोग को बोला, दीदी बहन आना है, तो कुछ लोगों को हॉस्पिटल केस था, कुछ लोगों को और अलग अलग केस था, आखिरी में कोई नहीं आया। ये बहन हमारा परिवार सुबह आया। मैं आपको बोलना चाहता है, सबका जरूरी नहीं, 2 लोगों की जरूरत है। छुटकारा आप दे सकता है। 6,000 दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं, सिर्फ यीशु से डरना है। यीशु अंदर है तो बाकी लोगों का जरूरत नहीं। यीशु से 3 लोगों से पूछा, भैया आ जाओ ना, बोल तुमने अभी भी शादी किया ना, अभी लड़की को छोड़ के कैसे? और एक जन से बुलाओ ना, बोला मेरे पापा भी मरने वाला है। एक व्यक्ति से पूछा, आओ ना, अरे अभी खेत जाना है भैया, आओ ना जाओ, यीशु आए तो काम हो जाएगा। एक बच्चा के अंदर से भी प्रभु काम कर सकता है। हालेलुया। रात को 3 बजे फोन आएगा तो पुलिस दौड़ेगा, भैया वहां पर एक आतंकवादी आया है, चोर आया है, तुरंत हाल अपने बेड से अपना हाल लिए यूनिफॉर्म पहनकर दूर। पुलिस बोलता है क्या, चोरी करने दो, हो जाने दो, बोलता है क्या, भले वो भी इंसान है, 1 घंटे के बाद है तो भी आता है ना। डॉक्टर को फोन आया, हाँ डॉक्टर साहब मरने पर है, आईसीयू में तड़प रहा, जल्दी आओ, तुरंत करके कंघी भी नहीं करेगा, थक के आता है। लेकिन एक पास्टर को, विश्वासी को बोलेगा तो अभी नहीं आ सकता, काम है। वैज्ञानिक रो रहा था मोदी को गले लगाकर, हम चंद्रयान पहुंचा नहीं पाया। मोदी बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। प्रेस लॉर्ड, जीवित परमेश्वर का बच्चे को
जंजीर से बांधा हुआ कल उनका सीन देखे मैं बहुत डर गया, हाथों में पैरों में। वो भी एक स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड, पुलिस आता है, डॉक्टर आता है, वैज्ञानिक जाता है, लेकिन प्रभु के लोग नहीं जाता। तब ताली बजाएंगे लोग। हमारे कलीसिया में आईसीयू नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हर अस्पताल में है, बड़े बड़े अस्पताल में आईसीयू है, जो ज्यादा सीरियस कंडीशन वालों को वहां डालते हैं। लेकिन हमारे कलीसिया में सीरियसली प्रार्थना करने वाले चार लोग भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कैसे केस आएगा तो परेशान हो जाते हैं, अकेला पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शत्रु कितना भी लड़े नहीं होगा। अगर इनमें से दो तीन लोग प्रभु के लोग होता, लड़ने के लिए तैयार होता, परमेश्वर उनका हाथों का पैरों का बंधन खोलेगा। आपके नाम क्या है भाई? का नाम क्या नाम है? क्या नाम बोल रहे हैं? रोहित। रोहित, आप अपने बहन, अभी आप आपका बहन का हाथ पैर बांधा हुआ है, अभी बांधा हुआ है पीछे, और कल से क्या हुआ? कल रात से बांधा था, फिर कल कब खोले थे? कल सुबह खोलिया था। प्रेशर ऑन बोलने समय कैसे भागा? ये नहीं भागा। और आते समय कैसे था? इसी प्रकार था, नहीं तो और बुरी कंडीशन, बुरी कंडीशन में था। और हम आपको छुटकारा देकर ही भेजेंगे। हमारा जितना भी प्रोग्राम हो, कल भी सुबह शाम मीटिंग होगा, परसों भी सुबह शाम मीटिंग होगा, शैलेंद्री को कब छुटकारा मिलेगा, खाना भी मिल जाएगा। ये जो पट्टी है ना, अभी कुछ नहीं इसके अंदर में, इसके अंदर में कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा विश्वासी लोग हमारा। ये पट्टी का उद्देश्य क्या है मालूम? इसी प्रकार जो आने वाले लोगों को खाना दे। एक नया पैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़िया है। ताली बजाइए, हर बात को के ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको कहा एक डॉक्टर को फोन करो, भले पैसा मिलता है उसको, फिर भी वो आता है। पुलिस देरी से आता है, फिर भी वैज्ञानिकों ईश्वर में काम करते रहता है। फेल होता है तो भी, हर जगह में फेल नहीं होता, लेकिन काम करते रहता है। विश्वासी हो, आपका कर्तव्य है, जब तक शैलेंद्री जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, उनको जब तक छुटकारा ना मिले तब तक प्रार्थना करना। यीशु मसीह रोगियों को चंगा कर रहा था उस पार में, लेकिन याद रखना प्रिय भाई और बहनों, 6000 दुष्ट आत्मा वाले उस व्यक्ति का रोने का आवाज तरंगों के जैसे, पानी का तरंगों के जैसे इस बार यीशु का कानों में आया। यीशु सब प्रोग्राम को बंद कर दिया। उस प्रोग्राम के बाद जहां भी प्रोग्राम था बंद करके बोला, पहले उस व्यक्ति का छुटकारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, जो मरने जा रहे ना, तेरे पप्पा मर जाए तो गाड़ने वाला बहुत है, तू आ जा मेरे सेवा। नहीं आएंगे। प्रिय विश्वासी हो, आप आज सीरियसली ले ले ये बात। परमेश्वर आपके अंदर में रखा हुआ ये वरदान शोकेस में रखने के लिए नहीं है, इसको शैलेंद्री जैसे लोगों को देना है। अगर आप ये सेवा करोगे, आपको इसका दुगुना पावर प्रभु दे देगा। परमेश्वर आपका घर के अंदर में आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, उसका चतुर्थ वचन से यीशु पूछता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह यीशु को, मरकुस 5:6, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। शैतान भी डरता है यीशु से। आज प्रभु के लोग इस मंदिर के अंदर में बैठा है,
यहां कोई शैतान अगर है तो वो डरता है, उसको मालूम है प्रभु के लोग भक्ति के साथ अगर प्रार्थना करेगा तो मेरा चुट्टी हो जाएगा और जो जो योजना में बना कर रखा है फेल हो जाएगा। विश्वास करने वाले लोग हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आप और मैं अगर प्रार्थना करेगा हमारे घरों का विरोध में आने वाले शक्तियों को हमको 10-15 लोगों की जरूरत नहीं, आप अकेला काफी है। आप अकेला रहे, आप सौ लोग रहे, यीशु आएगा तो काम होगा। काम करने वाला आप और मैं नहीं, कौन है? आपको केवल आज्ञा देना है, खड़े रहना है, सबका संचालन करना है। करने वाला, लड़ने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। 5:9 में प्रभु पूछता है, क्या पूछता है? उसने उससे पूछा, तेरा नाम, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। एक सेना का मतलब एक लेगियन 6,000, एक सेना का ग्रुप में 6,000 सिपाही लोग होंगे, उसको लेगियन बोलता था हमारे रोमा साम्राज्य के लोग। ध्यान दीजिए, 6,000 दुष्टात्मा एक व्यक्ति के अंदर में। इधर 4 लोग मिलकर रह सकते हैं कि इंसान लोग? सास बहु 2 लोग नहीं रह पाएंगे। प्राइस द लॉर्ड। बीते दिन में पेपर में आया एक बहन, हालेलुया, संध्या समय हो गया, दीप जलाने का समय हो गया। प्राइस द लॉर्ड, ये परसों की बात है, शादीशुदा। प्राइस द लॉर्ड, बहू को घर वाले सब देखा, नहीं मिला, आखिरी में देखा काशी में जो। प्राइस द लॉर्ड, समथिंग प्रॉब्लम हो गया। 4 लोग रह नहीं सकता, लेकिन दुष्ट आत्माएं कितने लोग एक साथ रहते हैं? 6,000, कोई धक्का मुक्की नहीं है। कितने लोगों के अंदर? एक व्यक्ति के अंदर में। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों बहनों, यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? सेना है। कैसे नाम बोलेगा? 6,000 लोगों का नाम बोलना है तो कितना समय लगेगा? हमारे नाम बोलेगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए सेना बोल दिया, हम बहुत है करके बोला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर में अधिकार है, हर यीशु का अभिषेक के द्वारा वो 6,000 दुष्ट आत्मा एक साथ उस व्यक्ति के अंदर से जैसे उखड़ कर हजारों हजारों जड़ वाले बड़ा वृक्ष बड़े तूफान में, हालेलुया, जड़ उखड़ कर जैसे गिर जाता भड़बड़ भड़बड़ करके, वैसा ही 6,000 दुष्ट आत्मा एक ही डांट में निकल गया। एक ही डांट में प्रिय भाइयों बहनों वो 6,000 दुष्टात्मा निकल गया। लूका के सुसमाचार 8 अध्याय में जल्दी से आइए, लूका 8 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। लूका 8:30 से लेकर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पढ़ेंगे। यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं, बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। हालेलुया। एक दो नहीं, बहुत दुष्ट आत्माएं। 4-5 दुष्ट आत्मा रहेगा तो भी आदमी कितना परेशान हो जाता है। परेश्वर भाई से पूछो, कितना कष्ट होगा उनके जीवन में। रात को चिल्लाते हैं, वो बोलता है नंबर भी भूल गया। दुष्ट आत्मा अंदर आता है तो क्या क्या गड़बड़ी होता है। इंसान जो मेमोरी में रखा हुआ मोबाइल नंबर हो और कोई नंबर हो, सब कुछ भूल जाएगा। बीवी कौन है, पति कौन है, बच्चा कौन है, ये पूरा हाल लिया एक प्रकार का वायरस से ये
दुष्ट आत्मा आज बहुत तेरे लोगों के अंदर में ये दुष्ट आत्मा है। नहीं, यीशु मसीह को प्रेस लोड जो नहीं मानता है, और जितने लोग इस दुनिया में हैं, किसी के अंदर 60 है तो किसी के अंदर 1000 होगा हिंदी में। थोड़ा दुष्ट आत्मा है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा दुष्ट आत्मा है तो उसको सांगलों में रखना पड़ेगा। प्रेस लोड वो ध्यान दीजिए, हालेलुया 31 में लिखा है, उन्होंने उनसे विनती की कि हमें अदा गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। यीशु चाहेगा तो, यीशु का अभिषिक्त लोग चाहेगा तो ये 6000 दुष्ट आत्माओं को अदा कुंड में भेज सकता है। लेकिन बात वही है, न्याय नहीं हुआ है, जजमेंट नहीं हुआ है, अभी कोई भी दुष्ट आत्माओं को हम संसार से नहीं भेज सकते। भेजेगा तो जाएगा, लेकिन दुष्ट आत्माएं दुनिया में जब तक इस दुनिया है घूमते रहेगा। लेकिन व्यक्ति के अंदर से, परिवार से हम उसको गेट आउट करा सकते हैं। आपके अंदर में, मेरे अंदर में कितना दुष्ट आत्मा रहता था यीशु मसीह में आने के पहले, ये दुष्ट आत्माएं घूम रहा है। श्रद्धा दीदी की गवाही आप सुने होंगे पिछले समयों में क्या हरकत करते थे दुष्ट आत्मा, लेकिन इस साल वो कर नहीं पाया, ताकि दिल के अंदर में कौन है, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। 32 में वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में गई और वह झुंड कनाडे पर से चपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। वो जानवरों के अंदर में भी दुष्ट आत्मा। आजकल आपको मालूम है रोड में जाएगा तो क्या स्थिति है, पैसा लौट कहीं फेल आता है, कितने वीडियो आपके पास आया है, कितना एक्सीडेंट होता है। इन जानवरों के अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है जो रोडों में घूमता है ताकि एक्सीडेंट कराए, लोगों को मारे। 6000 दुष्ट आत्मा किस में चला गया, सुअरों के अंदर में, और मिनटों मिनटों में, हालेलुया, ये सारे सुअर क्या हो गया, प्रस्थल। और ध्यान दीजिए, दुष्ट आत्मा जिंदा नहीं रखेगा, जादू टोना इसलिए करता है, ये व्यक्ति का परिवार पूरी तौर से नष्ट हो जाए। इसलिए ध्यान दीजिए विश्वासी, तेरे अंदर में यीशु है के चेकआउट करना। यीशु नहीं है तो तेरा भी स्थिति जानवरों का है, तुझे भी शैतान टारगेट बनाया है, इसको रोड में एक्सीडेंट में मारे। भाई विश्वास में स्थिर रहना, प्रभु के मंदिर में बराबर आना, तभी ये शैतानी ताकत ये भाई को रात को बाकी टहियों में छत में ले जाता है। क्यों आपको मालूम है, भाई अपना नंबर नहीं जानता कभी कभी। तो ये शैतान क्या करता है, अपने आप को कूदने के लिए प्रेरणा देगा। कई आत्महत्या कैसे होता है, आत्महत्या का पीछे शैतान का काम है, रोड एक्सीडेंट का पीछे शैतान का काम है, नशा का पीछे शैतान का काम है, कई बीमारियों का पीछे शैतान का काम है, कई परिवार जो बर्बाद होता है शैतान का काम है। कितने लोग मानता है ये बात, यीशु किसी इंसान को मारता नहीं, यीशु इसलिए आया है ये शैतानी ताकतों को नष्ट करने के लिए। कितने लोग चिल्लाकर एक बार हालेलुया पुकारेंगे, आप और मैं बच गया, शैतान के टारगेट को प्रभु ने तोड़ दिया। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, हालेलुया। ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, जितने दुष्ट आत्माएं संसार में यीशु मसीह के कारण से, यीशु मसीह के लोगों से निकल गया है, ये अनाथ भूत बनकर घूम रहा है, अनाथ भूत बनकर।
कितना साल आपको परेशानी दी है बीमारी से, अनाद भूत बनकर घूम रहा है। लेकिन एक बात है, निकला हुआ दुष्टात्मा वापस उसी के अंदर में घुस गया है, और जो प्रभु में जीता है वापस घुसने के लिए बहुत बार कोशिश की, लेकिन प्रार्थना में, आराधना में, गवाही में वो स्थिर होने के कारण शत्रु को पता चला दोबारा इसके अंदर में मैं घुस नहीं पाऊंगा। अगर कलीसिया के अंदर में आकर परमेश्वर का वचन के विरोध में जीवन बिताएगा तो सोच लो तेरा परिवार के अंदर से निकला हुआ दुष्टात्मा तेरा परिवार में दोबारा। वो विश्वासी समझदार होना चाहिए। संडे के दिन में केवल इधर आकर ताली बजाकर दो गीतों को गाकर कुछ सुनकर जाने का ये तेरी को छोड़कर मैं यीशु की महिमा करने के लिए आते हैं, और जाते समय यीशु को यहां छोड़कर नहीं जाता। यीशु संडे में ही रहना, संडे के दिन इसका हॉल के अंदर आएगा तो मेरे अंदर में भक्ति चढ़ेंगे, मैं ताली बजाएंगे, मैं नाचेंगे, कपड़ा निकल जाएगा तो भी मुझे होश नहीं। भाई महिलाओं को देखकर शर्म आता है, कपड़ा निकल गया फिर भी पवित्र आत्मा होश वाला पवित्र आत्मा है। सिर का चुन्नी अगर निकल गया तो वे तुरंत निकाल कर रखेंगे। कितना भी शक्ति आने दो, पवित्र आत्मा विवेक की आत्मा है। हालेलुया। और जाते समय बोले पवित्र आत्मा घर मत आना, छह दिन बिल्कुल नहीं आना, ताकि समथिंग समथिंग है। कितने लोग हालेलुया बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, कितने लोग बोलता है छह दिन नहीं सात दिन मेरे साथ ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। कितने लोग अच्छा लग रहे वचन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ने की जरूरत नहीं, मत्ती 12 का 43 से 45 तक का वचन मैंने आपको बताया था। एक व्यक्ति के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा तो ओ प्रेज़ द लॉर्ड फिर से वहां पर आने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन फिर से आ गया तो 7 गुना बुरी कंडीशन उसके जीवन में दोबारा आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, एक बात आप याद रखना, शत्रु इंसान को भी यूज करे, शत्रु स्वयं आए, सच्चे प्रभु के लोगों के लिए एक लड़ाई करने वाला प्रभु हमारे साथ है, एक बचाने वाला प्रभु आपके साथ है। बीते दिनों में कितने शैतानी ताकत, कितने इंसान आपसे चिढ़कर आपको नष्ट करने के लिए जादू मंत्र किया है, अभी भी आपको देखने का समय दांत पिसता है, लेकिन एक महान ईश्वर आपके संग है। कितने साल ये परमेश्वर रहेगा उतने साल ये परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 20 ये सभी लोग पढ़ना है, सभी लोग व्यवस्था विवरण 20। गवाही देकर आपने बहुत समयों को ये कर दिया, लेकिन ध्यान देना वचनों को भी आपको समय देना पड़ेगा, तब ये वचन के बिना आप जी नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। 20 का 1 से लेकर मैं पढ़ता हूं, हम मिलकर पढ़ेंगे। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तब उनसे ना डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है। कितने लोग विश्वास करता मेरा प्रभु मेरे संग है। अगल बगल वालों को हाथ मिलाकर बोला प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे संग है, इसलिए बड़ी सेना बड़े पैसा पार्टी वो मुझे खा जाएगा, वो मुझे भसा देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। यीशु साथ में है क्या, बड़ा पार्टी आने दो,
तगड़ा पार्टी आने दो करने की। सबसे बड़ा पार्टी किसके पास है? हमारे पास। उसका नाम? आवाज नहीं सुनाई दे रहे। इतना नहीं, सबसे बड़ा पार्टी हमारे साथ है। हालेलुया। लिखा है दूसरा वचन से, और जब तुम मिलकर पढ़ेंगे, और जब तुम युद्ध करने को शत्रु के निकट जाओ, तब याचक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियो सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना कतराओ और ना उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। ताली बजाइए, ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। कितना ज्ञान मंत्र आए, कितने इंसान आए, कितने दुष्टात्मा आए, जिंदा बाप हमारे संग रहता है। इसी प्रकार सुरक्षित कोई लोग है? ऐसा सुरक्षित लोग है? 10 साल है ना, अभी देख लेना कहां पर चले जाएगा वो बीमारी। हालेलुया, विश्वास है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों बहनों, अभी तक जितना दुष्टात्मा आपसे लड़ रहे थे, आपको बचाने के लिए कोई ईश्वर आपके संग नहीं था, लेकिन आज से कलीसिया के लोग भी सुनो, स्वर्गीय मन्ना टीवी के द्वारा चैनल के जरिए दुनिया के भिन्न भिन्न जगहों में बैठने वाले लोग भी सुनो, आपका घर के अंदर में यीशु आया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन बोले। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में इंसान भी शत्रु है, शैतान भी शत्रु है, लेकिन नया नियम में इंसान शत्रु नहीं है। फिर शत्रु कौन है? शैतान है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय मैं बंद करने जा रहे हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12वां वचन। हालेलुया, जिनको भी मिला है जोर से पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टात्मा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। डॉक्टर इंसान का शरीर के अंदर का बीमारियों का जांच करता है, पुलिस इंसान का बाहरी स्वभाव है उसी के कारण उसको अरेस्ट करते हैं, वैज्ञानिक आसमान की शक्तियों से लड़कर नए नए आविष्कार करते हैं, लेकिन प्रभु के लोग अंदर का बीमारी से भी लड़ता है, चंगाई देता है यीशु के नाम से। बाहर में काम करने वाला, हत्या, व्यभिचार, गंदे काम करवाने वाला, वो शैतान को भी अरेस्ट करता है। हालेलुया। पुलिस इंसान को अरेस्ट करेगा, लेकिन करवाने वाला कौन है? शैतान। लेकिन प्रभु के लोग इंसान को अरेस्ट नहीं करेगा, इंसान से ये काम करवाने वाला दुष्ट को अरेस्ट करेगा। और कदम नहीं हुआ, वैज्ञानिक लोग ऊपर का दिशाओं को देखता है, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु के लोग आकाश के शक्तियों को भी बांध देता है जो दुष्ट आत्मा का सेना है। पुलिस बनना है तो डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है तो डिग्री चाहिए, MBBS और MD चाहिए और कई है, वैज्ञानिक बनना है तो बहुत पढ़ाई चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक केवल वैज्ञानिक का काम कर सकता है, पुलिस केवल पुलिस का काम कर सकता है। पुलिस को बोल करो, ऑपरेशन करो करके बोले तो पुलिस बोलेगा ना, डॉक्टर को बोला वो आरोपी को पकड़ कर लाओ ना,
वैज्ञानिक को हर लिए कहता है तुम वो अपराधी को पकड़ना, लेकिन एक अनपढ़ प्रभु यीशु का संत से पूछो, आकाश के शक्ति को बांधो, इंसान का बाहर का शक्ति को बांधो, इंसान का अंदर के शक्ति को बांधो, यीशु के नाम से कह दिया सैतान कहे, आसमान का हो, बाहर का हो, अंदर का हो, कितने लोग हालेलुया बोलना चाहता है। तो इतना बड़ा अधिकार, मैं आज जब बैठ कर प्रभु का वचन अध्ययन कर ये बात आया, मैं बहुत नाच रहा था मेरे बेड में बैठकर, ओ ये अनपढ़ को कितना अधिकार दिया है, स्वर्गीय वना के लोगों को कितना अधिकार दिया है, हालेलुया संसार के मसीहों को कितना अधिकार दिया है, ये अधिकार कितने लोग प्रयोग करना चाहता है। अगले संडे में बाइबल पढ़ के ही आना, कामेश्वर जी का गवाही मैंने सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा दीदी, प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाते हैं, हालेलुया। हाँ, ये बाइबल पढ़ने के कारण से ना, बाइबल पढ़ने के कारण से एक एक शब्द, एक 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 बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ऐसा पढ़ते रहेगा, उसमें क्या होगा, बीच बीच में फोन आता, पास्टर अभी मैं वचन पढ़ रहे थे, वो लोमड़ी वाला जो बोल रहे थे ना, वो कहाँ लिखा है बाइबल में, लोमड़ी प्रेस्टलोड, ये पूछने की जरूरत नहीं, क्रमानुसार बाइबल पढ़ते आएगा तो आपको पता चलेगा, चला वो बात है ना, वो तो मत्ती 5 में है, ताकि आपने 4 बार पढ़ा हो, आपका माइंड में आ गया, बाइबल पढ़ने से कई गुना शैतान आएगा, तो शैतान के ऊपर वार करना है, शैतान आके वार कर रहे हैं, उसने फोन कर रहे पास्टर जल्दी उठो, शैतान सामने है, मैं अभी उसको वचन से मारना चाहते हैं, वचन बोल, तब तक तेरे को मार दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड, अगले संडे कितना कठिन काम हो, कितने लोग बाइबल पढ़ गए, थोड़ा हाथ उठाइए, पढ़ना नहीं आते तो अपने घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे हालेलुया वचन पढ़ना है, और ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, 2-3 वचन पढ़ सकते हैं, कितने लोग एग्री दे रहे हैं, पहले बोलेगा और चाहिए खाना, अब और चाहिए कि दे दो ना, अभी खाली है, पूरा खाली है ना, प्रेज द लॉर्ड, कितने लोगों को 2-3 वचन और चाहिए, हाँ प्रेज द लॉर्ड मिल जाओ करके बोल रहे हैं, हालेलुया बहुत अच्छी बात है, प्रेतों के काम 10:38, प्रेज द लॉर्ड 2-3 मिनट, हालेलुया जल्दी से, प्रेतों के काम 10:38, यीशु क्या काम करता था, हालेलुया जल्दी से जल्दी से, प्रेतों के काम 10:38, 38 परमेश्वर ने किस रीति से, जल्दी से पढ़िए, यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, यहाँ पर क्लियर कट लिखा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, अगर आपके साथ मेरे साथ प्रभु रहता, आपका भलाई केवल नहीं, आपका विरोध में आने वाले शत्रु से लड़ाई कर कर जय गुणा जयवंत होने की बात नहीं, आपके पास आने वाला हजारों लोगों को भी आप इसी शक्ति से स्वतंत्र कर सकता है, आप भी बचेगा, दूसरे लोग भी बचेगा, कितने लोग ये अभिषेक चाहिए, हालेलुया हालेलुया। देखो देखो प्रेतों के काम 16 अध्याय में, जल्दी से 16:16 से पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पर पौलुस के अंदर में परमेश्वर का यही अभिषेक था, उन्होंने क्या किया है देख ले, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, प्रार्थना करने वालों के अंदर में, प्रार्थना करने के जगह में जाने से प्रभु का अभिषेक आता है, कितने लोग अभिषेक चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, अभिषेक आएगा तो आपका अकेला का भलाई नहीं, दूसरों को भी भलाई है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जो वर्षों से जादू टोना करके आ रहे वो शक्ति को भी अभी यीशु के नाम से क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने सोमनियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी,
और ध्यान दीजिए, भाभी कहलाने वाले बहुत है हमारे इंडिया में। मेरा चाची भी भाभी कहलाती थी, लाल कपड़ा पहनकर लोगों को उल्लू बनाता था बचपन में। मैं ये सब कुछ देखकर मेरा मन इतना कठोर हो गया, इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं। आने वाले लोगों को डराता था, एक युवक और मरने वाला है, घर का स्थिति बहुत खराब है। मैंने उस समय से मेरे मन में विचार था, कोई ईश्वर है, सच्चा ईश्वर दुनिया में जो लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। मैं उनमें यीशु मसीह को देखा। यीशु आने के बाद मेरा जिंदगी बदल गया है। हालेलुया। अगर यीशु जगत में नहीं आया होता, मैं दारू वटी में दारू बेचने वाला व्यक्ति होकर किसी का मार खाकर मैं मरने वाला था। 94 में मुझे कीमा बनाने वाला था, मेरा दुष्टता का कारण मारपीट करने का स्वभाव था, दारू डालकर देने का काम था मेरे अंदर। लेकिन यीशु ये गंदगी को मेरे अंदर से क्या कर दिया। अगर एक इंसान बनना है तो यीशु के पास आना है। अगर आपका घर में कोई दारू पीने वाला व्यक्ति हो, अगर पति हो, बेटा हो, पड़ोसी हो, रिलेशन, उनके लिए आप प्रार्थना करें, जरूर उनका जिंदगी बदल जाएगा। हालेलुया। और ध्यान दीजिए, प्रेस द लॉर्ड, ये नारी को, ये महिला को डेली पौलोस देखते हैं, ताकि प्रार्थना करने वाला जगह इधरी से पौलोस जाते हैं। वह पौलोस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही कहती रही, परंतु पौलोस दुखी हुआ और मुड़ कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। लोगों को उल्लू बनाती थी वो, भाई साहब आओ हाथ देख लो, गड़बड़ का समय है, आपका घर में कोई मरने वाला, देखो कौन मरने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, ये तो बहुत गड़बड़ है भैया, इसको थोड़ा बड़ा रकम चाहिए, ये तो था लेके आ जाओ चीट। इंडिया का स्थिति कितना बुरा है प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन बाइबल कहती है इन लोगों के अंदर में दुष्ट आत्मा है। पौलुस एक दिन में जम के डाटा, दुष्ट आत्मा निकलने के बाद उनका भाभी कहना भी बंद हो गया। कितने लोग चाहता है, हे परमेश्वर, मेरे घर से, मेरे जिंदगी से दुष्ट आत्मा निकल जाए। बस एक वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा, लूका में जल्दी से आइए, लूका 13 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना के लोग बहुत ज्ञानी अगर के लोग कहते हैं, ताकि वचन का कमी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना यूट्यूब चैनल में बहुत तेरे लोग वचन सुनते हैं, उन लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप वचन सुनिए। हालेलुया। ताकि ये वचन यीशु का वचन है, ये वचन आपका घर में बैठकर आप सुनकर आशीष पा सकता है। ये वचनों को ग्रहण करेगा तो प्रभु आपको वरदानों से भरपूर करेगा। शैतान की शक्तियों से जो आप अब लड़ रहा है, आप पराजित नहीं होगा, और शत्रु भागने वाला है। कई लोगों का बीमारी से प्रभु चंगा करने वाला है। इसी समय पवित्र आत्मा कहता है, जो घरों में बैठकर सुन रहा है उनके अंदर में चंगाई आ रहा है। घर के अंदर में बीच बीच में आने वाला काले शक्तियां भागने वाला है। यीशु की महिमा। आप दुनिया में कोई भी जगह में हो, प्रभु आपका जीवन में चमत्कार करने वाला है। इधर ध्यान से सुनिए, एक कुबड़ी स्त्री के बारे में प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। प्रेस लूका 13:11 से। हालेलुया। 13:11 से प्रेस लड़ा पढ़ेंगे। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। कितने वर्षों से? 18 वर्षों से दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी। दुष्ट आत्मा आएगा तो आने के बाद कुबड़ी हो गया,
कहां बैठे दुष्ट आत्मा? पीठ में। एक एक दिन क्या हो गया? आप देखे होंगे ऐसे चलने वाले बहुत सारे लोग, सोच लो कूड़ी है वो, शैतान बैठा प्रेशर पीठ में, वो इनके इनके ऊपर में शैतान प्रेशर और दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, किसी रीति से वो कोशिश कर रहा सीधा होने के लिए। मेरे चाची का माँ ऐसा चलती थी, अभी मुझे याद आ रहा है, जगत में नहीं हो, प्रेशर लॉर्ड कर प्रभु कई साल पहले प्रभु में लाया है तो वो दुष्ट आत्मा को भगा सकता था। हालेलुया। ये भी आराधनालय में आराधना करने आया ताकि 10 मिनट के सत्य के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। तब आराधनालय के अंदर में एक बूढ़ी स्त्री थी, शैतान आराधना मंडली के अंदर में भी बैठते हैं, अभी यहां पर भी कई दुष्ट आत्मा बैठते हैं। हालेलुया। क्यों? उनको मौका दे रहे। बारह में यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु ऐसे लोगों को बुलाता है, यीशु को बहुत दुख है। यीशु क्यों आया है दुनिया में? शैतान के कामों को नष्ट करने, नाश करने के लिए आया है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में दुष्टात्मा देखेगा, बीमारी देखेगा, यीशु उनके पास तुरंत जाता है। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ज्यादा शब्द जो है यीशु के पास नहीं, ज्यादा समय भी नहीं, यीशु का एक शब्द में चंगाई आते रहे। कितने लोग चाहता है वो वरदान आपको भी मिले, ज्यादा समय बिताने के लिए अभी समय नहीं है, एक शब्द में दुष्ट आत्मा निकलना है। ज्यादा समय हमारे पास नहीं ताकि हजारों हजारों केस हमारे पास आएंगे, लेकिन उस समय एक शब्द के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। उसके लिए हमको बहुत प्रार्थना करनी होगी, बहुत प्रार्थना करनी होगी और हमारे शब्दों को कंट्रोल करना है। कहाँ का घर का जो पड़ोसी सुनता है वही सरोड, वो शब्दों को हमको कंट्रोल करना है। उसके बाद अपने आप को धीन बनाना है, उसके बाद रोना है, तब क्या होगा? वो शक्ति हमारे अंदर में आएगा, तब हमारे जिंदगी बदल जाएगा। यीशु ने उसे देखकर बुलाए और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह सी तुरंत सीधी हो गई। देखो हाथ में कितना पावर है यीशु का। आज कितने लोग हाथ उठाकर बोल रहे, प्रभु ये हाथों में भी वो शक्ति प्रदान कर। हालेलुया। ये हाथों में भी प्रभु के सामर्थ्य को, कई लोग हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, जबल मत उठाना। क्या कर रही है यहां? प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान दीजिए, जबरन मत उठाना, कितने दिल से उठाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। देखो ऐसा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु हाथ रखा, तुरंत 18 साल से कुबड़ी थी सीधी हो गई, जमकर प्रभु की महिमा करना शुरू किया है। कितने लोगों को छुटकारा चाहिए? शत्रु लड़ेगा लेकिन प्रबल नहीं होगा, बचाने के लिए मैं तेरे संग है। इंसान आ जाए, दुष्ट आत्मा आए लड़ने के लिए, हमारे लिए यहोवा लड़ेगा, हमारे लिए यीशु मसीह लड़ेगा। कितने लोग चाहता है शत्रुओं से मुझे लड़ना है, मुझे परमेश्वर की शक्ति पाई चाहिए, मुझे जादू टोना को नष्ट करना है, मुझे नशा को नष्ट करना है, मुझे हर प्रकार का गंदगी को नष्ट करना है, मुझे हर एक लोगों को समानता में देखना है। मैं प्रार्थना करता हूं जेल खाली हो जाए, अपराधी कम हो जाए, पूरी तौर से नष्ट हो जाए,
हर एक व्यक्ति ईश्वर की महिमा करने वाला बन जाए, ऐसा चाहने वाला अपने जगह में खड़े हो जाए, ऐसा चाहने वाला खड़े हो जाए। आराधना में प्रभु का शक्ति आपके ऊपर आएगा। विश्वास करें यीशु के ऊपर, यीशु आपका परिवार को चुरा लिया है। ओ कुड़ी वाली स्त्री को यीशु बोला, ओ तुम अपने दुर्बलता से छूट गई, आज आपके पीठ दर्द से आप छूट गई, आज आप दुष्ट आत्मा से छूट गई, आप बीमारी से आप चंगाई पा लिया है, आज आपको यीशु सामर्थ्य से भर दिया।